हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं पूजा गुप्ता अगेन आप लोग का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ स्त्री में। सो, कल तो मैं थी ससुराल में और आज मैं हूँ मायके में। तो ये देखिए, सुबह का नाश्ता सब लोग साथ कर रहे हैं, मम्मी काजल। और आज क्या बनाई हो? चूड़ा मटर बनाई है और उसके साथ प्यारी सी चाय। तो यहाँ पर हस्बैंड जी भी हैं, पापा जी भी हैं और भाई भी है। तो हम लोग अभी चूड़ा मटर इंजॉय कर रहे हैं और अच्छी सी चाय। तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। आज बहुत सारे काम हैं तो आज आपको मार्केट भी देखने को मिलेगा और दीदी कोलकाता से क्या क्या लाई है वो भी देखने को मिलेगा। सो गाइस, आज का वीडियो इसकी सुबह के नाश्ते के बाद अब हम लोग रेडी हो गए हैं काजल के लिए, अलमार के लिए, अलमीरा देखने। मैं, भैया, पापा और मेरे पापा जी और नीचे मेरे हस्बैंड भी आए हैं। तो हम सब साथ जा रहे हैं जिससे कि सेलेक्शन करने में आसानी हो और फटाफट देखा जाए, पसंद आए तो ले लिया जाए, जिससे कि एक दो दिन में अलमारी घर आ जाए। डॉक्टर साहब आ गए हैं और हम लोग भी चलते हैं। हाय बोलो। हाय, आई एम ऑन ड्यूटी। चलिए ठीक है, जाओ पापा आगे। सो हम लोग रेडी हैं मार्केट जाने के लिए। तो वो देखिए, पापा और पापा जी दोनों जा रहे हैं पता करने कि वो जो पहले फैक्ट्री थी जहाँ पे अलमीरा बनती थी वो किधर से हम लोगों को बुलाया गया है। हाँ, अलमारी वाले ने बुलाया है। बस पापा आ गए। देखो मेरे पापा मुझे फोन कर अलमारी लेने चल रहे। हाँ, तो ये कुछ गली में है, पापा जी के जानकारी के हैं कोई, तो ये हुआ कि थोड़ा जानकारी में हो तो ज्यादा बेहतर होता है चीजें लेने है। इनकी शॉप, चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसी कैसी अलमारियाँ हैं। सो ये इधर बहुत सारे ऑप्शंस हैं अलमीरा के, क्योंकि इसी तरीके का हम लोग देने का प्लान किया। लकड़ी वकड़ी का थोड़ा शादी वादी में अच्छा नहीं लगता, तो देख रहे हैं अच्छे अच्छे हैं। और उन्होंने बोला है कि अगर और बेस्ट क्वालिटी चाहिए तो मैं बाद में बनवा सकता हूँ, जैसे कि वो दिखा रहे हैं वो अंकल जी। रेडीमेड लेने से अच्छा है कि आप अपने हिसाब से देख कर ले। वो भारी भी है ना काफ़ी, तो कैसा लाइट वेट होना चाहिए ना? लाइट वेट होना चाहिए हमारे। कलर के कॉम्बिनेशन में ये भी है और एक हमें तो पर्सनली मुझे ये अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। मैं इसको आपको देखिए इस तरीके का है और ये इधर साड़ियों का रैप बना हुआ है और इधर में जो है हमारा, इधर में हमारा तिजोरी जिसको बोलते हैं उसके अंदर भी तिजोरी है। और इसके बाद ये वाला सेक्शन दिया है जिसमें आप चोरी का माल रख सकते हो और बाकी बहुत कुछ लग रहा है। और भाई को जो पसंद आया वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। भाई को पसंद आया है एक, तो ये है बहुत बड़ा है, तो वो बाबू के हिसाब से बहुत बड़ा है, वो हम लोग नहीं सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जो ऑप्शन है बहुत खूबसूरत कलर है, इसका भी पिंक कलर है, देखिएगा बहुत सुंदर कलर है। और इसका ये जो है ना लॉक खोलने वाला, ये भी बहुत सुंदर है। तो इसमें भी सेम ऐसा ही है, यहाँ पे इस तरीके का रैप दिया है साड़ी को होल्ड करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे ये लॉकर दिया गया है और लॉकर के अंदर भी इधर साइड में लॉकर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स ज़्यादा अच्छा लगा। तो दोनों में से आप बताइएगा कि आपको कौन सा कलर और कौन सी अलमारी पसंद है, तो हम बताएंगे कि हम लोगों ने कौन सा सेलेक्ट किया गया है। तो अलमारी चल और चलते हैं, बिलिंग करवाते हैं। अलमारी ले ली और अब निकल रहे हैं घर के लिए। तो हम लोगों ने अलमारी खरीद ली है और वो अलमारी तुम दिखाना कब? शादी के लिए। हम लोगों ने दो ऑप्शन दिए थे, दोनों ही अलमारी हम लोग को अच्छी लगी थी। कौन सा लिया हम लोगों ने वो तो मैं शादी वाले दिन आपको दिखा दूंगी, लेकिन आप लोग को कौन सा पसंद है वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। सो अब घर पहुँच गए हैं, लंच करते हैं, लंच के बाद आपसे मिलते हैं और देखते दीदी कोलकाता से क्या क्या लाई है वो भी तो आपको दिखा। गाइस, अलमारी पसंद करने के बाद अब हम लोग घर आ गए हैं, जो कि सबसे ज़रूरी काम करना है। मैंने बताया था आपसे कि कल जब मैं आई थी मायके तो दीदी मार्केट गई थी, आने के बाद वो थक गई थी तो सो गई थी, तो वो क्या करने गई थी वो अब मैं दिखाती हूँ। ये सारी साड़ियाँ जो भी रिश्तेदारों को देना है ये सब साड़ियाँ वो गई थी लेने के लिए और बहुत खूबसूरत पसंद है उसकी। बहू एक एक करके दिखाओ दोस्तों को, ये सारी साड़ियाँ जो है दीदी की पसंद की है। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट काम है इसको पैक करना
अच्छे से क्योंकि कल से मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। अभी केवल और केवल दीदी आई है बंगाल से, कोलकाता से। सो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि सबके आने से पहले ये काम करके रख दिया जाए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हफरा तफरी मचने लगेगी तो काम नहीं हो पाता है। सो इसीलिए अब हम लोग इसको करेंगे फटाफट पैकिंग, जिसको किसको कौन सा देना है ये सिलेक्शन बहुत बहुत ज़रूरी होता है कि सामने वाला खुश होके घर से जाए। तो वही जा रहे हैं हम लोग करने। सो चलिए आप भी आइए हमारे साथ। ये सारा जितने भी मेहमान आएंगे उनको देने के लिए पैक हो चुका है। अब इसके बाद जो है हम लोगों के लिए दीदी बैंगल्स लेके आई है कोलकाता से, हमारे और छोटी के लिए। तो चलिए उसमें देखते हैं कौन सा बैंगल किसके पास जाता है। तो इसी बीच ये लेके आ गई है 2 मिनट वाली मैगी, और कंगन पे ये बहुत देर से ध्यान लगाए हुई है। ये भी उसके सपोर्ट में बोल रही है लोग को ना। खैर कोई नहीं, ये है पहला बैंगल, ये है पहला बैंगल। ये बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है, रेड कलर का है, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। इसका मुझे दीदी ने मल्टी कलर ला के दिया था, वो जो कि मैं अभी तक पहनती हूँ। और सेकंड ये वाला जो कि मल्टी कलर में है, ये देखिए गाइस कैसा लग रहा है। ये ग्रीन कलर में और ये ब्लू रेड सारे कलर के कॉम्बिनेशन है इसमें। थर्ड ये है थोड़ा सा बेबी पिंक कलर में, ये वैसा ही है जैसा रेड कलर का था, ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये तो मेरे कपड़े के साथ जा रहा है। और वाओ ये ग्रीन कलर अच्छा लग रहा है। और एक और लास्ट बचा हुआ है, ये थोड़ा सा बंगाली पैटर्न में है, अच्छा लग रहा है, बहुत लाइट वेट है, बहुत देखने में थोड़ा हैवी सा लग रहा है बट बहुत लाइट वेट है। और एक क्या एक और ये मम्मी के लिए लेके आई है दीदी। मम्मी ऐसे सिंपल सा पहनती ना, वो सब कहती बहुत तामझाम लगता है। तो ये रहा दीदी ने बैंगल्स लाया, कौन किसको मिलता है ये मेरे को खुद ही नहीं पता, देखती हूँ जैसा होता है। सो गाइस अब हमारे घर एक और मेहमान आ गया है, सो उससे रूबरू कराते हैं आपको। हाय गाइस, तो ये है मधुर मेरी दीदी का लड़का जो कि अभी आया है, कुछ देर हुआ आधे एक घंटे। तो कुछ बोलोगे? मैं मासी के चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो गाइस चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को यही एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।